से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कोलकाता व्लॉग, और स्पेशली आज जू व्लॉग है, यानी चिड़ियाघर। मैं बच्चों को लेके जाना चाहती थी और इनकी आज छुट्टी थी, यानी संडे था, तो ईजी था जाना। तो फाइनली हमारा जाना हुआ और अमरीन भी आई हुई थी और सभा भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि उन लोगों को भी घुमा दिया जाए, वो जू चले जाएंगे। बच्चे तो बहुत इन्जॉय करते हैं बच्चे, और मेरा भी शायद सेकंड टाइम था। जब मैं खुद छोटी थी तब मैं गई थी जू, और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर। बहुत हैरत हो रही थी, अब तो बहुत सिस्टम डिफरेंट भी हो गया है जू का। यानी इस तरह से मैं अलीपुर वाला जू गई थी, पता नहीं कोलकाता में और कौन सा जू है ये नहीं मुझे आइडिया, बट मैं ये अलीपुर वाला जू गई थी जिसमें हमें इस रोड से इस तरफ उतरे थे और उस पार जाने के लिए इतनी ट्रैफिक थी, यहाँ पर वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था। बट मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर गार्ड होते हैं और वो कहते हैं कि अभी वीडियो मत शूट कीजिए वरना बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। मेरा पापा उठ गया, उठ जाओ, जू आ गया, चलो। एंड फाइनली अर्जम उठ गया था, जिससे मुझे व्लॉग करने में थोड़ा आराम हो रहा था और थोड़ा मैं व्लॉग शूट भी कर पाती। देख रही कि किस तरह से जू में एंट्री में भीड़ थी, और संडे का डे था क्योंकि ऑब्वियसली ये संडे को ही फ्री होते हैं और हमें वही जू ले जाते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं जा सकती। बहुत मुश्किल होता है ना तीन बच्चे को लेके जाना और तीन जन, तो कुछ भी बहुत मुश्किल होता है, किधर जाना है, किस तरह से रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर भी कैमरा करना अलाउड नहीं था, बट मैंने फिर भी कोशिश करके थोड़ा बहुत बना लिया। बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्रोकोडाइल देखें, और मुझे भी बहुत, मतलब बहुत दिन बाद मैंने रियलिटी में देखा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं भी एनिमल्स को देखने के लिए जू में। तो गाइस, बाकी मैं आगे शेयर कर रही हूँ वीडियो, आप लोग से देखिए। आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स अवेलेबल हैं, लाइक क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर स्टार्टिंग में ही थे, और स्नेक्स वगैरह भी असगर भी कह रहे थे, बट असगर था नहीं अपने स्पेस पे, पता नहीं कहीं छुप गया था। और ये देखिए, ये किस तरह से ऐसा लग रहा था ना कि वो रियल है ही नहीं है, ज़रा भी इसमें मूवमेंट नहीं थी। और बहुत सारे लोग इसे पिक्चर वगैरह ले रहे थे, हम लोगों ने भी लिए, बहुत ज़्यादा लिया, और एक नहीं बहुत सारे थे, दो तीन थे, एक जगह एलिगेटर था और एक जगह क्रोकोडाइल थे। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों को देखे, सीरियसली बहुत मज़ा आएगा इसको देख के। आप लोग भी ज़रूर बच्चों को लेके जाइए। एंड बच्चों के थोड़े से मैंने पिक्स वगैरह ले लिए, बाकी मैं व्लॉग ही शूट कर रही थी। अमरीन थोड़ा सा अपने फ़ोन में पिक ले रही थी और ये ले रहे थे। मैं तो व्लॉगिंग में ही रह जाती हूँ आप लोगों के लिए, अदरवाइज़ फिर मौका ही नहीं मिलता है ना कुछ पिक वगैरह लेने की। तो यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, कौन सा एनिमल देखने जा रहे थे, वह सारा अंदर में ब्लैक, मतलब पूरा रूम ब्लैक किया हुआ था और डार्क शेड में वो थे, कौन सा एनिमल, इंडियन ऑस्ट्रिच बोलते हैं आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें देखी थी, कुछ दिख भी नहीं रहा था, और उल्लू वगैरह भी वहाँ पे थी, बट इतनी भीड़ थी और वो इतनी वहाँ पे रस हो रहा था ना, सब एनिमल छुप गए थे जाके, तो आई थिंक हाँ वो इंडियन ऑस्ट्रिच बोलते हैं उसको, तो जाके छुप गए थे। तो मैं इतना शूट भी नहीं कर पाई और बहुत भीड़ था, तो वहाँ से फिर हम लोग निकल गए, फिर वापस क्रोकोडाइल के पास से ही निकले, तो यहाँ पर और ज़्यादा करीब में देखने को मिल रहा था, तो हम लोगों ने देखा और फिर यहाँ बच्चों को और भी पिक वगैरह लिया। अदारा बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, उसे बहुत पसंद आया, अर्जम भी यहाँ पे उठ गया था अर्जम, और बहुत इन्जॉय कर रहा था।
है इसकी मासी। हानिया देखी? राम क्या देख रहे हो? टू पीस दिख गई। बस यहाँ पे अलग अलग तरह के बिल्लियाँ थी, कह रहे थे कि वो मतलब शेर के रिश्तेदार है, ये सब वगैरह लिखा हुआ भी था कुछ कुछ। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे शेर था और इसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की है और एक जगह और भी की है, बड़ा नहीं वो कैप्चर नहीं हो पाया फ़ोन में, पता नहीं किस तरह से। एंड गाइस ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग है और बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के, बहुत इनोसेंट से ये एनिमल्स थे सब, बहुत मज़ा आ रहा था। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जिराफ को देख कर। जब मैं वीडियो बना रही थी ना, फ्रेंकली बता रही हूँ, वो थोड़ा सा करीब भी आ गए थे और मैं उसको बस हाई कर रही थी इस तरह से अपने बुलम। सांप भी देखना है। राम राम राम। इसीलिए तो आए हैं। यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे जाइए ना। एंड फाइनली गाइस अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे बच्चों को लेकर जू में ना चलना। अब थोड़ा सा अर्जम जब बड़ा हो जाएगा ना तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा एंजॉय करने में और बहुत आसान होगा जू को में घूमना क्योंकि बहुत बड़ा जू है। मैंने तो बहुत चीज़ें कैप्चर नहीं भी की है क्योंकि बच्चों के कारण, बच्चे को लेकर व्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है गाइस। अब यहाँ पर जैम को भूख लग गई थी तो मैंने बोला कि अब चलो इसको थोड़ी सी फीड करवा देती हूँ, तो बस मैंने यहाँ पे जैम के लिए फीड कराना स्टार्ट किया और बच्चों को बुलाया। बस जैम को तो मिट्टी में खेलना है और क्या, तो बस हो गया अब उसको फीड करवाना और यहाँ से अब निकलने का हम लोगों ने डिसाइड किया। वहाँ पे कुछ खाने का डिसाइड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी, फ्रेंकली बता रही हूँ। और बस मैं हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह खाया और बच्चों को आइसक्रीम वगैरह और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले, बाकी बर्गर वगैरह स्नैक्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे तो मैंने उसको उस वक्त अवॉइड कर दिया। फिर हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। और गैस मैं यहीं पे अब स्टॉप करती हूँ क्योंकि शाम हो गई थी व्लॉगिंग करना, तो मैंने स्टॉप कर दिया। बस थोड़ा सा मैंने ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा घर जाते वक्त, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए सूट कर लिया और देख सकते हैं कि रात हो गई थी। सो गाइस मैं यहाँ पे अब करूँगी अपने व्लॉग को एंड। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली न्यू वीडियो बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं अपने फ्लैट से आपको व्यू दिखा रही हूँ पार्क स्ट्रीट का एंड गाइस ये किस तरह से वहाँ पे लुक लगता है। एंड फिर उसके बाद हम लोगों की जाने की तैयारी होने लगी थी तो हम लोगों ने बस पैकिंग में लगे। मैं डे में थोड़ा सा सूट कर रही थी क्योंकि फोर फ्लोर से किस तरह का लगता है ये, एंड देख सकते हैं बालकनी से सूट कर रही थी और पार्क स्ट्रीट एरिया। सो गाइस अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए